नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, शिक्षक अविनाश के गंगा नदी में डूबने के बाद जो शिक्षा विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है। जी हां, पिछले दिनों ही खबर सामने आई थी कि स्कूल जाने के दौरान ही शिक्षक अविनाश की गंगा नदी में डूबने के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है और लगातार शिक्षकों के लिए राहत भरा आदेश भी विभाग की ओर से जारी किया जा रहा है। इसी क्रम में आपको बता दें कि एक और बड़ा आदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है स्कूलों को लेकर के। जी आपको बता दें कि 4000 ऐसे बिहार के स्कूल हैं जो कि पूरी तरह से जलमग्न है, जहां पर बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। तो ऐसे में आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने उस वैसे इलाके के स्कूलों को लेकर के फरमान जारी किया है उसे बंद करने का। जो आंकड़े सामने आए हैं उसकी माने तो करीब 120 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जिनको बंद करने का आदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। जी हां, शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया है डीएम को, जिसके बाद डीएम ने स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो बड़ी घटना हुई पिछले दिनों, उसके बाद से शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर है और शिक्षकों की सुविधाओं को लेकर के कई पहल भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर सरकारी स्कूल जलमग्न है या फिर स्कूलों तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि उन जिलों में अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, जमुई, किशनगंज, नालंदा, नवादा, पटना, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण, सिवान, बेगूसराय, ये सभी जिले ऐसे हैं जहां पर कई स्कूल जो है उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि स्कूल तक पहुंचना असंभव है। तो ऐसे में उन स्कूलों को बंद करने का आदेश शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि बाढ़ की वजह से पिछले 1.5 महीने 1700 से अधिक स्कूलों में पढ़ाई बाधित है। स्कूल खुल रहे हैं लेकिन अधिकांश जगहों पर बच्चे नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद शिक्षकों के लिए नाव की व्यवस्था भी की गई है। जी हां, जो खबर निकल करके सामने आई है उसकी माने तो शिक्षकों की आवाजाही के लिए लगभग 1400 नावों की व्यवस्था की गई है। पटना के दियारा क्षेत्र, वाल्मीकि नगर के बगहा, बेगूसराय के बछवाड़ा, बलिया, मटिहानी और समस्तीपुर के मोहिन उद्दीन नगर प्रखंडों में नावों का उपयोग किया जा रहा है। घाटों नाविकों को भी शिक्षकों की प्राथमिकता पर स्कूल पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये देखा जा सकता है कि एक शिक्षक की मौत के बाद जो शिक्षा विभाग है वो पूरी तरह से सतर्क हो गया है और शिक्षकों की सुविधाओं को लेकर के कई तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों शिक्षक अविनाश की मौत के बाद अन्य शिक्षकों का जो रोष है, जो आक्रोश है, वो पूरी तरह से देखने के लिए मिला था। बीच सड़क पर बैठकर अन्य शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे और साफ तौर पर शिक्षकों की सुविधाओं को लेकर के मांग कर रहे थे। तो ऐसे में शिक्षा विभाग अब अलर्ट हो गया है और 120 से अधिक स्कूलों को बंद करने का आदेश तो दिया ही गया है, लेकिन अन्य स्कूल जहां पर नदी को पार करके ही पहुंचना संभव है तो वहां नावों की व्यवस्था भी कर दी गई है। तो शिक्षा विभाग अब पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने भी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।